बिहार के सारण जिले में रक्षाबंधन के मौके पर बहन से सांप को राखी बंधवाना एक भाई को भारी पड़ गया। पैर की उंगली में सांप के डसने से मनमोहन नामक युवक की मौत हो गई। मनमोहन पिछले 10 सालों से जहरीले सांपों के रेस्क्यू और सांप द्वारा डसे गए लोगों का इलाज करने का काम करता था। पूरा मामला सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र का है। 25 साल का मनमोहन उर्फ भुअर कई जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर चुका था। ये वाक्या सारण के मांझी थाना के शीतलपुर का है। यहाँ का रहने वाला मनमोहन उर्फ भुअर पिछले कई वर्षों से सांपों के साथ ही रहा करता था। गांव के किसी व्यक्ति को यदि कोई सांप डस लेता था तो लोग मनमोहन के पास उसका इलाज करवाने के लिए पहुंचते थे। मनमोहन भी सर्प दंश से पीड़ित लोगों को जड़ी बूटी की मदद से ठीक कर देता था, लेकिन उसी सांप ने मनमोहन को डस लिया। ग्रामीणों ने बताया कि मनमोहन अपनी बहन के पास सांप को लेकर पहुंचा था और अपनी बहन को सांप को भी राखी बांधने को कहा। भाई के कहने पर बहन ने सांपों को भी राखी बांध दी। इसके बाद मनमोहन ने अपने हाथों में सांपों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलने लगा। इसी क्रम में एक सांप ने मनमोहन के पैर में काट लिया, जिससे कुछ घंटों के बाद ही मनमोहन की मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास के लोग वहां पर एकत्रित हो गए। आसपास के लोग मनमोहन की मौत से स्तब्ध हैं। दरअसल आसपास के लोग मनमोहन को सांपों का सच्चा मित्र और उसके ऊपर देवीय चमत्कार की बात मानकर उसे बहुत ही सम्मान की नजर से देखते थे। सांप के काटने के बाद लोग उसे आदर सहित बुलाते थे। मनमोहन जड़ी बूटी की मदद से पीड़ित व्यक्तियों को ठीक कर देता था, लेकिन दुर्भाग्य से मनमोहन को सांप ने काट लिया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ना मानी कर लिया हाथ मुंह में फेंक रहा और का मुंह में से मानी कर लिया सर वीडियो रोक ना मानी मुझे सब जन के खेला खत्म हो गया।